तो गाइज यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें क्विज़ पूछा गया था। उस क्विज़ के बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया। कुछ लोग जो है अभी भी कंफ्यूज में है कि यहाँ पर जो वीकली पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं या वीकली हम गिववे की बात कर रहे हैं वो कैसे अलग है हमारे डेली जो हम गिववे देते हैं उससे। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर आपको समझना होगा। जो हम पहले जिस तरह से गिववे दे रहे थे सेम वैसे ही गिववे चलेगा। कोई आपको उसमें कोई जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, जो एक चेंजेस होगा वो ये है कि उसमें जो है सिर्फ अमाउंट का चेंजेस है, क्योंकि पहले जो गिववे मिल रहा था उसका जो अमाउंट था वो अब कंपेयर करेंगे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अब हम वीकली भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वीकली में ज़्यादा होगा, जिससे कि आपका डेली में हमने कम कर दिया ताकि वीकली में आपको ज़्यादा मिल सके। तो अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है यार, बहुत ही आसानी से आसान है इसको समझना कि आप जो यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, अगर हमें डेली की बात करूँ तो डेली में तो सेम है। आपको जो तीन डिजिट दिखेंगे आपको सीधे सम करना है और मुझे कमेंट्स में लिख देना है, दैट्स इट। ये तो हो गया डेली का। अब जो वीकली का है उसमें देखिए क्या डिफरेंस है। वीकली में जब आप अभी तो आप क्या करते हैं कि तीन जगह जो नंबर आते हैं उनको आप सम करते हैं, तो आपको डेली में तो ऐसा ही करना है। लेकिन जो वीकली है, वीकली में आपको ऐसा नहीं करना है। वीकली में आपको उन तीन नंबर को सीरियल वाइज लिखना है। जैसे कि अगर 3, 4, 5 है तो 345 हो गया ये आज का, ऐसे आपको लिखना है। ऐसे कल जो आएगा उसका आपको जो है, मान लीजिए कल आया 1, 2, 3 तो 123 हो गया, तो 345 प्लस 123 ये दो दिन का आपका सम हो गया। तो ये होगा हमारा वीकली। तो जिन्होंने अभी आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कल की वीडियो नहीं देखी है तो यार अभी उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कल से ही ये क्विज स्टार्ट हुआ है वीकली का और काफ़ी अच्छा यहाँ पर गिववे आपको मिलेगा गाइज। जो लक्की 5 विनर होंगे उनको ये गिववे मिलेगा, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो वीडियो को आपको जो है अगर नहीं देखा तो कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आज वाली वीडियो को भी पूरा देखिएगा। अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया, तो आज की वीडियो आपको बताने वाली है कि कैसे आपको सिर्फ, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, क्या क्वेश्चन है यार, एंड्रॉयड मोबाइल तो सभी के पास होता है, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं सिर्फ टाइपिंग कर। देखिए, हर कोई लिखना तो हर कोई जानता है, लिखकर उसको समझना भी हर किसी को आता है। आप अपनी लैंग्वेजेस में, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मतलब कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है और सिंपली वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिखकर पैसा कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे होगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उससे पहले यार, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सॉरी, आप अपने इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जो विनर बनते हैं, जो गिववे का आंसर आप देते हैं, वो तभी आप दे पाते हैं जब आप वीडियो को सबसे पहले देखते हैं और सबसे पहले ही उसका आंसर देते हैं। क्योंकि जो लक्की 3 विनर होते हैं डेली के, वो सबसे पहले जो आंसर देते हैं वही हो पाते हैं। तो बाद में अगर आप आंसर देते हैं तो वहाँ लकी विनर चूज़ होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिए, इसीलिए आपको सबसे पहले वीडियो देखनी होती है। अब मैं इस जॉब के बारे में जो आज बताने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस पर जो है काम करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप जो सोच रहे हैं उसको आपको लिखना है। देखिए, किसी भी चीज़ टॉपिक के ऊपर आपको लिखना बहुत ईजी है। अगर आप लिखना जानते हैं, अगर आप टाइपिंग अपने मोबाइल से करना जानते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, एज लिमिट की यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप 18 प्लस हैं तो इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर, लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सिर्फ मोबाइल है आपके पास, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो भी यहाँ पर आप इजीली काम कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। सारा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हो सकता है स्किप करेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। तो अब मैं सीधे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, अब आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए, ये है यहाँ पर इनकी वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है writerbay.com। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है सिर्फ आपको राइटिंग का पैसा देती है, मींस कि जो आप टाइपिंग करेंगे उसका पैसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, काफ़ी लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं इसी वेबसाइट से, तो आपको भी आज से ही अर्न करना है। कैसे करना है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला, तो ध्यान से वीडियो को देखना है गाइज। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट्स के बारे में, तो देखिए काफ़ी अच्छी है वेबसाइट्स। अगर ट्रस्ट पैरेट पर आप चेक करेंगे तो लगभग 4 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है धीमे धीमे ग्रो कर रही है और काफ़ी अच्छे लोग
यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं, तो रेटिंग भी इसकी बढ़ती जा रही है। तो 4 रेटिंग होना अपने आप में एक इनिफिशियंट है, अगर मैं बात करूँ रेटिंग की। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस वेबसाइट के बारे में क्या है वो सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखिए डैशबोर्ड पे मिल जाएगा इस वेबसाइट्स की। अब यहाँ पे देखिए व्हाट वी ऑफर, ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है कम्पिटिटिव सैलरी, आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलेगी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो उससे काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए पेमेंट की, तो पेमेंट यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली मेंशन है कि ट्वाइस पर मंथ, महीने में 2 बार, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अगर इसको आप सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर बोलें तो 15 दिन में 1 बार आपको यहाँ पर पेमेंट मिलती है। फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत ही फेयर हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप काम करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, 101% यहाँ पर आपको आपके काम का पैसा मिल जाएगा। इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ, यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस वेबसाइट के साथ काम कर अपने आप को ग्रो करना भी। दूसरी बात, यहाँ पे जो है आपको अपने टाइम के हिसाब से काम करना है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे शिफ्ट अलाइन की जाएगी कि इस शिफ्ट के टाइम पे आपको काम करना है, बिल्कुल नहीं। आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से जिस टाइम आपको सूटेबल लगता है उस टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, तो काम के लिए टाइमिंग की कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात करूँ तो देखिए एक अ वैरायटी ऑफ अवेलेबल राइटिंग जॉब्स, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। अगर आपके पास राइटिंग लिखने की अगर आपके पास कला है तो यहाँ पे आप बिल्कुल 100% काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए जो इस वेबसाइट्स की मुझे लगी, यहाँ पे देखिए एक क्लियरली मेंशन है कि नो रजिस्ट्रेशन फीस एंड अ फ्री लाइफ टाइम मेम्बरशिप, मीन्स कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नहीं लगेगी, 100% ये फ्री है, किसी भी स्टेज पर कोई भी आपको मेम्बरशिप भी नहीं लेनी है, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप यहां पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर नीचे यहां पे बात करूं तो देखिए अलॉन्ग विद द अबव मेंशन बेनिफिट्स, इसके अलावा देखिए और भी यहां पे बेनिफिट्स हैं कि अगर आप यहां पे काम अच्छी तरीके से करते हैं तो यहां पे आपको जो है 15% बोनस भी मिलता है आपके हर एक ऑर्डर पर। अब ऑर्डर क्या होता है कि यहां पे जो भी आप टाइपिंग करते हैं अगर वो पास हो जाता है तो वहां से आपको जो है पैसा मिलना शुरू होता है, प्लस 15% आपको बोनस भी मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात इस वेबसाइट की मुझे लगी है। इन केस यू आर वन ऑफ आवर सीनियर राइटर एंड वी आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ यूअर ओवरऑल परफॉर्मेंस, यू विल बी अ गारंटीड आप PRO राइटर स्टेटस। इसका मतलब हुआ कि 25% बोनस आपको मिलने लगेगा अगर आप यहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, एज ए सीनियर आप बन चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 25% बोनस भी आपको मिलता है। देखिए गाइस, सिंपल सी बात है, किसी वेबसाइट पर जब आप काम करते हैं तो उस वेबसाइट पर काम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया उसके बाद आप 10 दिन तक काम नहीं कर रहे हैं फिर आपने 1 दिन काम कर लिया, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर यहाँ पर काम करना होगा, अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो 101% आपको यहाँ से पेमेंट ज़रूर आपको मिलेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे आकर, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है राइट वे में, जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है पास द ग्रामर टेस्ट, यहाँ पर आपका एक ग्रामर टेस्ट होगा जो कि आपको पास करना है। अब आप कहेंगे कि यार हमें तो उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, हम ग्रामर टेस्ट कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देना, कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा कि कैसे आपको ग्रामर टेस्ट पास करना है, कैसे आपको राइटिंग का काम करना है और कैसे आपको काम लेना है, बहुत ईजी है। उसके बाद देखें यहाँ जब आप पास हो जाते हैं तो आपको अपलोड योर एसे डिप्लोमा एंड CV। अब यहाँ पे आपको जो है आपको एक एसे अपलोड करना है, डिप्लोमा जो आपके पास होंगे जो आपने पढ़ाई की है जहाँ तक 10th 12th ग्रेजुएशन, वो सारा डिप्लोमा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, एक यहाँ पे आप अपना CV अपलोड करेंगे। अब ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द राइटिंग प्रोजेक्ट, आपको जो है राइटिंग प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, कोई भी एक राइटिंग प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, उस पर आपको लिखना होगा। उसके बाद अपलोड द वर्क, आपको जो वो काम है जो आपने किया है उसको आपको इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। उसके बाद सिंपली गेट पेड फॉर योर वर्क, उसके बाद जो आपने काम किया है उसका पैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई भी हार्ड यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, तो आपको बहुत ही सिंपल से यहाँ पर काम करना है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट अर्निंग टुडे, आज से ही आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो इनका पार्ट है वो है पर्सनल डिटेल्स का, दूसरा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का, और तीसरा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए पर्सनल डिटेल्स है, इसमें पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या है, सबसे पहले आपको अपना पहला नाम डालना है, उसके बाद लास्ट नाम आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है,
जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, कंट्री कौन सी है इंडिया है, सिटी यहाँ पे किस सिटी से आप रहते हैं वो डाल दीजिएगा, ईमेल एड्रेस आपका जो आप एक जीमेल आपका अकाउंट होगा उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस कोई और दूसरा ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैंडेटरी कौन से हैं जिनमें यहाँ पे स्टार बने हुए हैं वो आपको फिल करना मैंडेटरी है, बाकी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। नीचे पासवर्ड है मैंडेटरी है, रिपीट पासवर्ड भी मैंडेटरी है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये फॉर्म एक बार मैं फिल कर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप जो है जो कि है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं ये फॉर्म एक बार भर लेता हूँ। तो गाइस देखिए पहला जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स पूरी फिल कर दी हैं तो हमारा ये पहला जो स्टेप था वो क्लियर हो गया। अब सेकंड जो स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपका यूअर नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोई ऑल लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। हाईएस्ट वेरिएबल एकेडमिक डिग्री कौन सी आपके पास है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। यूअर डिग्रेड मेजर क्या है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, किससे किया है आपने वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट 3 to 7 डिसिप्लिन यू आर प्रोफिशियंट इन, किस में आप हैं वो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू एंड और प्रोग्राम लैंग्वेज यू आर एक्सपर्ट इन, कौन से वो इंडिकेट है सॉफ्टवेयर जिनमें आपको लैंग्वेज आती हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो एक बार ये फॉर्म में फिल कर आपको आगे का प्रोसीजर दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए जैसे ही हमने ये सेकेंड स्टेप भी क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए आपको अबाउट मी अपने बारे में लिखना है, जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए। मोटिवेशंस लेटर क्या है वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, मोटिवेशन लेटर मतलब कि कुछ भी ऐसा मोटिवेशन जो आपको मिलता है किसी चीज़ से वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। यू हैव लर्न अबाउट वेबसाइट फ्रॉम, कहाँ से आपने इसके बारे में सुना वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। शेयर विथ अस योर सोशल मीडिया अकाउंट अगर है कोई फेसबुक में इंस्टाग्राम में तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आई एग्री और आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। तो ये फॉर्म फिल करके मैं एक बार आगे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही वो थर्ड स्टेप भी हमने क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया सक्सेस यू ऑलमोस्ट देयर, वी सेंट एन ईमेल टू, हमारे जो ईमेल एड्रेस है उस पर हमारी एक मेल आ जाएगा जिसमें कि हमको क्लिक कर वहाँ पे उसको हमें रीड आउट करके वहाँ पे क्लिक एक आपको लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास वो मेल आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है अपना, एक बार मैं इनबॉक्स में चला जाता हूँ। जैसे ही मैं इनबॉक्स में क्लिक करता हूँ अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एट writerbake.com आ चुका है। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स हमारी है, डियर मनु कॉन्ग्रेचुलेशन हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे अब हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनकी इसी वेबसाइट्स पे जहाँ पे हमको अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड जो हमने डाला था वो डालना है। तो एक बार मैं ये यहाँ पे डाल के आपको आगे दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाला था तो मैंने सीधे इसको साइन इन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इस पे साइन इन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनके पेज पे जहाँ पे हमारा टेस्ट होगा। अब गाइज ये मेन है क्योंकि यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट को कैसे आपको क्लियर करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है सारी चीज़ें। उससे पहले देखिए ये फ़ोन वेरिफिकेशन मांग रहा है, टू कन्फर्म टू अवर नंबर क्लिक ऑन वेरीफाई माई फ़ोन नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को आपको यहाँ पे सिंपली एंटर करना है। तो जैसे ही मैसेज आता है मेरे इसी फ़ोन पे आएगा तो मैं वो मैसेज यहाँ पे एंटर कर आपको आगे दिखा देता हूँ। तो मैं वेट करता हूँ उस मैसेज का कि हमारे पास वो मैसेज कब आता है। जैसे वो टेक्स्ट आएगा मुझे यहाँ पर डालकर उसको सबमिट करना होगा, उसके बाद ही हमारा ये आगे का प्रोसीजर होगा। तो एक बार वो टेस्ट मैं चेक कर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो बस देखिए जैसे ही आप वहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप क्या है। एप्लीकेशन स्टेप जो है सबसे पहले तो होगा एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल एंड क्विज, देखिए 40 मिनट का होगा ये यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो है जो पूछा जाएगा सिंपली आपको जो है पैराग्राफीज होंगे जिनको कि आपको यहाँ पर करना होगा। अब मैं देखिए गाइज यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर राइटिंग प्रॉम्प्ट होगा, उसके बाद नंबर 3 पे ऐसे होगा। अब ये सब करना कैसे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्ट पे क्लिक करके एक बार आपको डेमो दे देता हूँ, क्योंकि बाकी के भी इसी तरीके से होंगे तो मैं एक बार आपको सबसे पहला वाला एक बार डेमो देता हूँ। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो टेस्ट होगा वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट का समय है तो आपको ध्यान रखना है कि 40 मिनट के अंदर अंदर ही इसे कम्प्लीट करना है। सबसे पहले देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, एकेडमिक राइटिंग इज़ अ फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग यूज्ड अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, चाहे तो उसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा।
एकेडमिक राइटिंग इज़ नॉट पर्सनल, लॉन्ग वाइंडेड एंड इमोटिव एंड ग्रैंडलेस। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको थर्ड पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए स्टेप ऑफ द एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस रिवाइज एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, वेट करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए अगला स्टेप क्या होगा, एप्लीकेशन स्टेप, स्टेप वन एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल एंड क्विज़ है। पाँचवें स्टेप पर अभी हम हैं, अब तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और वेट करेंगे छठे का। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, कॉन्क्लूशन निकलेगा। ठीक है, हमने सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक कर दिया। अभी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ट्यूटोरियल। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ट्यूटोरियल था जो कि हमने पढ़ा भी नहीं और हमने इसको पास कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ ट्यूटोरियल था, वो बताया गया था कि किस तरह का आपका आगे क्वेश्चंस होने वाले हैं। 5 मिनट लिमिट फॉर द क्विज, 3 क्वेश्चंस होंगे, 5 मिनट लिमिट होगी। ओनली 1 करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 1 करेक्ट आंसर होगा। 3 मिस्टेक्स अटैम्प्ट अलाउड, 3 मिस्टेक्स आपकी अलाउड हैं। 3 मिस्टेक्स अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट ए क्विज़ पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्टार्ट ए क्विज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। चूज़ द ऑप्शन दैट कॉम्प्रोमाइज़ द मेन एट्रीब्यूट ऑफ द एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। अब चाहें तो इसको आप सिंपली इसी को पूरे को आप कॉपी कर गूगल पर सर्च मार के इसका आंसर वहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल पर एक बार जाता हूँ। टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे आपकी चल रही है तो उस टाइमिंग के अंदर अंदर ही इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने इसको गूगल पर सर्च मार लिया है, एक बार गूगल पर सर्च मार के इसका हम देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये आया है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मल यूज़ ऑफ थर्ड पर्सन रादर देन द फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट यूजली। ठीक है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आखिर इनका क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ इसका क्वेश्चन। टेस्ट हमारा ये रहा, फोकस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल इमोटिव कंसेंट, क्लियर एंड प्रेसिज फोकस्ड, वेल सोर्स। तो ये वेल सोर्स वाला है हमारा, हमने इसको क्लिक करके चेक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 4 मिनट 19 सेकंड का समय है। वेल डन, ऑल दीज क्वेश्चन प्रॉपरली कैरेक्टराइज एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, ये हो चुका है हमारा, हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट द करेक्ट ऑर्डर टू द एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, देखिए वही यहाँ पे पूछ रहा है वो कि आपने किस तरीके से, किस करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है, कि सबसे पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो पढ़ना आपको ज़रूरी था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ हम गैस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ के कीजिएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एनालाइज द टॉपिक, क्वेश्चन, थिंक, रिसर्च, डिस्कवर यूअर थीसिस, प्लान, आउटलाइन, राइट रिवर्स एंड प्रूफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम सेकेंड वाले को ही कर देते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वेल डन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, थैंक यू, हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया। अब हम चले जाते हैं थर्ड पे अपना, जो कि हमारा लास्ट है। अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ईच एकेडमिक एसेज। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एकेडमिक एसे का वो क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, कॉन्क्लूशन होता है, टेजिस स्टेटमेंट्स होते हैं या प्लान होता है। टॉपिक सेंटेंस सबसे मेन एसे का क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है जहाँ तक मुझे लगता है, तो हमने इसको चेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टॉपिक सेंटेंस ए पार्ट ऑफ अ गुड पैराग्राफ, इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको दीज स्टेटमेंट्स पे जाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, ऑन एन एसे विद ए थीसिस स्टेटमेंट्स कैन बी कंसीडर एकेडमिक। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। वेल्टन, यू हैव सक्सेसफुली पास्ड द फर्स्ट क्विज, प्लीज प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑन प्लेग्रिज्म। सिंपली आपको प्रोसीड विद ट्यूटर पे जाना है। यहाँ पे फिर आपको एक ट्यूटर आएगा जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपको ट्यूटर समझ में नहीं आएगा तो इसकी एक वीडियो बना लीजिए, क्योंकि उसी में से आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो बहुत ही ईजी है गाइज, आप इसका एक वीडियो बना लीजिएगा, उसके बाद इसको आंसर कीजिएगा। तो ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पर तीनों करने हैं, फिर नेक्स्ट पर जाइएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जब आप ये टेस्ट पास कर लेंगे, जो कि ईजी है, आप आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर बिना पढ़े कर लिया तो आप पढ़ के तो इसको 100% ईजी कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 10 मिनट लिमिट है इस क्विज की, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली 1 करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन, 3 को जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एक ही आंसर सही होगा, बाकी गलत होंगे, जैसे कि आपको टिक मार करना होगा। 5 मिस्टेक्स तक यहाँ पे अलाउ ये कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी यार यहाँ पे जो है इनको ये चांसेस भी दे रहे हैं कि आप जो है इस टेस्ट को पास कर सकें। तो इसी तरह से यार आपको स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है, उसको पूरा प्रोसीजर कर देना है। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए आपको टाइपिंग क्या करनी है, कैसे आपको काम करना है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग करने के लिए
आप मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपको गूगल पर जाना है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है, ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आप अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। हिंदी में ही आप लिखेंगे और इंग्लिश में वो हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है हिंदी टू इंग्लिश, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एंटर टेक्स्ट, जैसे कि मैं कल वहाँ गया था, आपने ये लिखा। अब यहाँ पे देखिए आई वेंट टू दैट येस्टरडे, सिंपली उसका कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। तो आपको सिर्फ किसी टॉपिक पे यहाँ पे लिखना है, उसको नोट डाउन करते रहना है कॉपी में, या फिर इसी को आप कॉपी करके एक नोट पैड पर लिखते रहिए। तो बहुत ईजी है गाइस, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी जिस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे ही आप लिखिए उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि आपकी जो लिखने की पावर है वो बढ़ जाए और आपका जो सेंटेंसेस हो वो यहाँ से आपको ग्रामर से, क्योंकि ये आप गूगल पर लिख कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जो है गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसी तरह से आपको सारे पैराग्राफ लिखने हैं। जब आप वहाँ पे वो टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको इसी तरह से वहाँ पे ऐसे भी आएगा लिखने को, तो यहीं पे वो आप उसको हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट होकर आप वहाँ पे उसको पेस्ट करते रहिए। आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी करके, या आप राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर वहाँ पे उसको पेस्ट करते रहिए। पैराग्राफ जिस भी बारे में वो ऐसे लिखने को बोलेगा, आप यहाँ पे सिर्फ हिंदी में टाइप कीजिए, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट मार दीजिए, आपका वो ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप उसको जो है अपलोड कर दीजिएगा अब उनकी वेबसाइट्स पे, वो वहाँ से रिव्यू के लिए जाएगा। जैसे ही वो पास हो जाएगा आपको यहाँ पे काम मिलना शुरू हो जाएगा और आपको 15 दिन में एक बार पेमेंट भी हो जाएगी और सारा प्रोसीजर बहुत ही ईजी होगा, आपके मेल पे ही सारा प्रोसीजर हो जाएगा। अब यार देखिए, कहीं भी वीडियो के दौरान कहीं आपको लगा हो कि यार कुछ बात समझ में नहीं आई, क्योंकि देखिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको काम मिलेगा 101% और आपकी अर्निंग भी 101% होगी। तो अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए इस वेबसाइट्स पर और ये वेबसाइट आपको पैसा कमा के देगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ। तो यार अभी से अभी इस वेबसाइट पर जाके अभी से अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि फ्री है, कोई पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा। जो भी काम आपको मिलेगा वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मिलेगा और आपकी अर्निंग ज़रूर होगी। तो गाइज यार अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे क्विज़ की। तो क्विज़ हमारा सेम वही है, आपको जो है पूरी वीडियो में आपको जो है तीन जगह जो है डिजिट मिलेंगे, उन तीन डिजिट को आपको सिंपली मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ताकि मैं वहाँ से आपको वो गिव वे दे सकूँ। अब मैं बात करता हूँ हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसके विनर्स की। तो देखिए लास्ट वीडियो के सबसे जो पहले विनर थे वो है, इसका स्क्रीनशॉट है ये देखिए, यहाँ से हमारी तरफ से विनर हो चुके हैं और इनको हमारी तरफ से गिव वे भी दे दिया जाएगा। दूसरे जो विनर है उनका स्क्रीनशॉट है ये भी देखिए, यहाँ पर सही जवाब इन्होंने लिखा है, हालांकि कमेंट नहीं लिखा, लेकिन ये भी हमारे सही विनर दूसरे विनर हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे तीसरे विनर की। देखिए तीसरे विनर का स्क्रीनशॉट है ये, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आप तीनों को हमारी तरफ से, जॉब सीकर फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जो है हमारे लकी विनर हुए हैं। आप तीनों को ये जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे जो है टेलीग्राम में मैसेज करना है ताकि मैं वहाँ से आपको गिव अवे दे सकूँ। गाइस ऐसे ही आपको करना होता है, आप आज की वीडियो में जो भी सही आंसर मुझे देंगे इसी तरह से उनको जो है गिव अवे मिलता है। तो यार मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को दबाना ना भूलें।